62.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30 और 12 सेकंड हुए हैं। अब हमारी तीसरी सभा का प्रसारण आरंभ होता है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा संसार। महान काम कर गए और उस वक्त तो हमारा देश आजाद नहीं था, लेकिन आज हम आजाद हैं। आज आओ हम श्रवण कर दिया रोजाना प्रोग्राम गुरबानी विचार। हरे घरे में वो प्यार न जा क्या कर रहा है सम्मान किया उसी देश भक्ति ने किसके हम बारिक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जाती हर दर्शन देह दिखाई। सर्वण करदे हां भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। तैयारी कर रहे हैं आप? मुझे भी तैयारी कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन की। उर्दू पुलिस में जाना चाहता मजदूर ऑटो चालक रिक्शा चालक व अन्य छोटा या मध्य वर्ग के जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका जीवन प्रभावित हुआ। सरकार ऐसे लोगों की समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2022 लेकर आई है। दोस्तों पीएम गरीब कल्याण योजना में सरकार द्वारा सीधे तौर पर उन लोगों की सहायता हो जाती है जो शहरों से पलायन करके यानी कि माइग्रेट होकर गाँव की ओर लौट चुके हैं। इसके अलावा पहले से ही गांव में रहने वाले लोगों के सामने भी कोरोना काल में कई चुनौतियां सामने आई। इन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया। दोस्तों पीएम गरीब कल्याण योजना गरीब लोगों के लिए सरकार द्वारा अन्न वितरण योजना है। इसे फिलहाल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और आपको बता दें कि यदि आपका नाम खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूची में है तो आप अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं तो आप सरकारी डिपो से अपना अनाज ले सकते हैं। आपको बता दें कि गरीब कल्याण योजना भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है और अन्न योजना में नेशनल फूड एक्ट 2013 के तहत दो कैटेगरी गरीब परिवारों व अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को इसमें शामिल किया गया है और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ ये बात की हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। आगे बढ़ते हुए हेलो जीनियस की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन लाइंस बता दें 2554462554447 और 2554448। रोहतक का एसटीडी कोड लगाना ना भूलें 01262। और कार्यक्रम को शुरू करते हैं देरी न करते हुए, साथ साथ आपको रूल्स भी बता देंगे, लेकिन पहले जो हम कार्यक्रम का पहला प्रश्न है वो आपसे पूछ लेते हैं। आपको बताना है कि निर्यात की फुल फॉर्म क्या है।